ट्विंस प्रेगनेंसी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जैसे ही कोई बात करता है महिलाओं को काफ़ी एक्साइटमेंट हो जाती है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार ट्विंस प्रेगनेंसी होती कैसे है, कितने तरह की होती है, कैसे होती है और किनको ट्विंस होने के चांसेस सबसे बढ़िया होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं, साथ ही इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में अच्छे तरीके से बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं कि ट्विंस प्रेगनेंसी कैसे होती है। तो आपने अपने आसपास में दो तरीके के ट्विंस देखे होंगे, एक तो होता है आइडेंटिकल ट्विंस, यानी कि वो इतने सिमिलर होते हैं कि उनमें पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा है, यानी कि उनको आइडेंटिफाई करने में इवन उनके फादर या उनके पेरेंट्स को भी डिफिकल्टी होती है, तो वो होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। और दूसरे होते हैं वो होते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, यानी कि दोनों के चेहरे बिल्कुल अलग अलग होते हैं, बिल्कुल आप अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्विंस प्रेगनेंसी दो कंडीशंस में हो सकती है, यानी कि एक एग महिला के शरीर से निकला, वो फर्टाइल हुआ और उसके बाद उसके दो टुकड़े हो गए, ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस प्रेगनेंसी, यानी कि एक जायगोट बना और उसमें से दो हिस्से बन करके उनमें दो प्रेगनेंसी हो गई है। तो ऐसी कंडीशन में जो बेबी होते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं। दूसरा होता है डाइजाइगोटिक प्रेगनेंसी, यानी कि दो अलग अलग अंडे माँ के अंदर बने, दोनों अलग अलग फैलोपियन ट्यूब में आए और उसके बाद वो दो अलग अलग स्पर्म से मिलकर फर्टाइल हो गए और इसी वजह से वो बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखाई देते, वो दोनों अलग होते हैं। इसीलिए मोनोजाइगोटिक ट्विंस यानी कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो या तो दोनों के दोनों लड़की होंगी या दोनों के दोनों लड़के होंगे, क्योंकि वो एक ही स्पर्म से फर्टाइल हुए थे। वहीं अगर हम बात करें डाइजाइगोटिक ट्विंस की, तो उनमें से एक लड़का एक लड़की हो सकती है या फिर दोनों लड़के और दोनों लड़की भी हो सकती है। तो ये होते हैं हमारे ट्विंस प्रेगनेंसी के टाइप। तो अब बात करते हैं कि किनको ट्विंस प्रेगनेंसी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो अगर मदर की साइड पर पहले भी ट्विंस प्रेगनेंसी हुई है, यानी कि उनकी फैमिली हिस्ट्री इस तरीके की है कि वहाँ पर ट्विंस प्रेगनेंसी होती रही हैं, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वहाँ पर ट्विंस प्रेगनेंसी होगी। अगर फादर के साइड पर भी रहे हैं तो भी चांसेस होते हैं, लेकिन मदर की साइड अगर ट्विंस प्रेगनेंसी हुई है तो उसके बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस होते हैं कि उनको ट्विंस प्रेगनेंसी ही होगी। दूसरा कंडीशन वो होता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है और आपको फोर्सफुल प्रेगनेंसी करवाई जा रही है, यानी कि आप IVF का ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर कोई और ट्रीटमेंट ले रहे हैं जिसके थ्रू आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है, तो आपको प्रेगनेंसी में ट्विंस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अब इसका कारण ये होता है कि डॉक्टर्स आपको एक हेल्दी एग बनने के लिए मेडिसिन देते हैं, कई बार उन्हें लगता है कि एग अच्छा अभी भी नहीं बन रहा है तो वो और डोज देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में दो एग्स एक साथ बन जाते हैं और उसकी वजह से ट्विंस प्रेगनेंसी हो जाती है। या फिर अगर IVF का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक साथ मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए जाते हैं महिला के यूट्रस में, तो उसकी वजह से भी ट्विंस प्रेगनेंसी हो जाती है। तो ये दो कंडीशन है इनमें सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो महिलाएँ 30 ईयर्स की एज के ऊपर होती हैं उनको ट्विंस प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो काफ़ी हेल्दी होती हैं वो भी ट्विंस प्रेगनेंसी, उनको भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि वो ट्विंस प्रेगनेंसी हो जाए। इसके अलावा अगर आप दूध दही यानी कि मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध दही छाछ पनीर इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनको भी चांसेस होते हैं कि आपको ट्विंस प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये वो लोग हैं जिनको चांसेस होते हैं कि ट्विंस प्रेगनेंसी होती है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो देखिए, ट्विंस प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एक बार माँ बनना है, दो बच्चे पैदा हो गए, हम दो हमारे, तो प्रॉब्लम सॉल्व, खत्म कहानी। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत होना, बट बेसिकली क्या है कि आपको एक साथ दो बेबी मिल जाते हैं एंड देयर इज हाई चांसेस कि अगर आपने डाइजाइगोटिक प्रेगनेंसी कंसीव की है तो आपको एक बेबी गर्ल और एक बेबी बॉय मिल जाएगा, एक पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि देखिए यूट्रस जो बना है वो एक प्रेगनेंसी के को कंसीव करने के लिए, एक प्रेगनेंसी को संभालने के लिए बना है, तो ऐसे कंडीशन में जब आपको ट्विंस प्रेगनेंसी होती है तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस हो जाते हैं, बेबी को उतना ज़्यादा फूड नहीं मिलता है यूट्रस के अंदर, पेल्विक एरिया में दो लोगों के लिए जगह नहीं होती तो वो नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत मुश्किल होता है, सिजेरियन डिलीवरी ही करनी पड़ती है। कई बार तो यूट्रस पे इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, पूरा टाइम बेड रेस्ट पर रखना पड़ता है माँ को ताकि उनकी जो प्रेगनेंसी है वो अच्छे तरीके से बनी रहे। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि होते हैं, इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं, आफ्टर डिस्चार्ज भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि पोस्टपार्टम हेमरेज होने का डर बना रहता है कि भाई आफ्टर डिलीवरी जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यूट्रस अगर इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है कि उसमें दो अलग अलग बेबीज़ को उसने बचा करके रखा है, तो ऐसी कंडीशन में वो वापस जब शेप में आएगा तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी होगी, तो ऐसे में एक्स्ट्रा ब्लड भी देना पड़ता है माँ को। इसके अलावा भी कई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं,
तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो ट्विंस प्रेगनेंसी से बेटर है सिंगल प्रेगनेंसी होना, बट अगर ट्विंस प्रेगनेंसी हो जाती है तो भगवान की देन है, आपको उसका स्वागत करना चाहिए। थोड़ा सा ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है क्योंकि मिसकैरेज और प्रीटर्म डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर दें। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।